सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। समय जब निर्णय करता है तब गवाहों की जरूरत नहीं होती। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। जीवन में कुछ सफर अकेले ही तय करने होते हैं। जिंदगी के हर सफर में हम सफर नहीं होते हैं। आज का पंचांग 14 अक्टूबर 2020 दिन बुधवार, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 11:51 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र रात्रि 8:41 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:12 से 1:39 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा सिंह राशि पर रात्रि 2:02 तक रहेगी। इसके उपरांत कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगे। सिंह राशि 14 अक्टूबर 2020 दिन बुधवार, आपको आज बहुत सारी अलग जानकारी प्राप्त होगी, इसीलिए औरों की सुनने और मानने की बजाय अपने आप सोच समझकर फैसले लेना अधिक उपयुक्त रहेगा। अपने तरीके और अपने नजरिए के आधार पर देखेंगे तो बिल्कुल ठीक फैसला ले पाएंगे। आपकी बहुप्रतीक्षित छुट्टी जल्द ही मिलने वाली है। आपका प्रभावशाली व शांति प्रिय व्यक्तित्व जैसा गुड़ कई मामलों में एक अस्त्र का काम करेगा। आर्थिक समस्याओं से राहत मिलेगी, साथ ही कोई रुका हुआ पैसा भी मिल जाएगा। नजदीकी व्यक्तियों के साथ संबंध मधुर रहेंगे। परिवार से मिले आर्थिक मदद और प्रॉपर्टी का सही उपयोग करें। अपने काम को और विस्तारित करने की योजना का पूरा अभ्यास करें। बड़े फायदे के लिए छोटे नुकसान को नजरअंदाज ना करें। उतावलापन आपको सही गलत का फर्क समझने में रुकावट बन सकता है। आर्थिक नुकसान झेलने की जितनी क्षमता है उतनी ही रिस्क लें। व्यापारी वर्ग अपना काम विस्तारित करने में सफल रहेंगे। स्टेबल रिलेशनशिप की बावजूद भी आप किसी और की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। त्वचा से जुड़ी एलर्जी से तकलीफ हो सकती है। सावधानियां, विद्यार्थीगण सावधान रहें। उनकी पढ़ाई के प्रति लापरवाही उनके रिजल्ट को खराब कर सकती है। सोशल मीडिया व फालतू बातों में पढ़कर अपने करियर के साथ किसी भी प्रकार का समझौता ना करें। चंचलता पर काबू पाने के लिए मेडिटेशन उचित उपाय है। लव लाइफ की बात करते हैं। घर के सभी सदस्यों का आपसी सामंजस्य मधुर रहेगा। प्रेम संबंधों में मनमुटाव व तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर आप किसी रोचक और खुशमिजाज आदमी को डेट करना चाहते हैं तो आपको अपने रूटीन में बदलाव लाना पड़ेगा, नहीं तो आपका संबंध फिर से उस नीरज स्तर पर पहुंच जाएगा। आपको अपनी लव लाइफ में बदलाव लाने के लिए खुद को अंदर से बदलना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ अपनी ड्रेसिंग भी बदल लें तो आपको अंदाजा भी नहीं है कि आप में कितना खुशनुमा बदलाव आ जाएगा। करियर की बात करते हैं। आज का दिन काम और कार्य क्षेत्र के हिसाब से काफी हद तक शांत रहेगा। आज का दिन घटनाओं रहित रहेगा जिससे कि आपको अपने व्यस्त कार्यक्रम में से थोड़ी राहत मिलेगी जिसके तलाश आपको काफी समय से थी। इस समय की आप सराहना करें और उसे मनोरंजन में बिताएं और उन खुशनुमा पलों को भी याद करें जो आपने अपने कार्य क्षेत्र में महसूस किए हैं। बात करते हैं सेहत की। अच्छा, आपको अपने स्वास्थ्य संबंधित
कई जांचें करानी पड़ सकती हैं। आपको अपने स्वास्थ्य की चिंता होगी, लेकिन फिलहाल चिंता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसे अपने स्वास्थ्य के लिए चेतावनी समझें और अपने खाने तथा जीवन शैली में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बदलाव लाएं। अगर आप इस समय पर्याप्त सावधानी रखेंगे तो भविष्य में होने वाली तकनीकों से बच पाएंगे। आज का उपाय, आज अब गणेश भगवान जी को दूर्वा चढ़ाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।